जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हम सिमेरिया घाट आए हुए हैं और ये जो आप ब्रिज देख रहे होंगे, आप पहले भी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो हम जरूर आपको पूरी जानकारी दूंगा और वीडियो के माध्यम से आपको पूरी दिखाऊंगा। दोस्तों आप देखिए कि कितना लाजवाब सुंदर दृश्य बना है, जबरदस्त पुल है। दोस्तों इसी सिमेरिया घाट के निकट राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था, यहीं कराने वाले थे दोस्तों। और हम आपको और ढेर सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं, तो आपने देखे कि अभी ट्रेन गई। दोस्तों इसके निचले स्तर यानी कि इसके निचले भाग से गंगा नदी का जल बहता है, इस पटना की ओर से आती है और इस ओर जाती है, और इसके बिचले भाग से जो है ट्रेन जाती है, रेल लाइन बिछा हुआ है और इसके ऊपर से बस इस वाहन जाता है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, और ये लाइन बना हुआ है, सिंगल लाइन बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें हैं, यहाँ पर काम चल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी मशीन है। इस लाइन से अभी तो ट्रेन भी जाती है और वाहन भी जाती है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर जाता है, लेकिन अब जो है नया ब्रिज का निर्माण हो रहा है इस लाइन से, यानी इसका ठीक बगल में रेलगाड़ी जाएगी। इसमें ब्रिज बन रहा है, अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, लगभग दो साल के अंदर कम्प्लीट हो जाएगा, तो उतना कम समस्या होगा, क्योंकि अभी जो है एक ट्रेन क्रॉस करती तो दूसरा फिर जाती है, तो थोड़ा लेट भी होता है क्योंकि सिंगल लाइन बना हुआ है, इसीलिए समस्या भी होती है। और अब जो है समस्या नहीं होगा क्योंकि जल्दी इस ब्रिज का निर्माण हो रहा है और इसके बगल से ही रेल लाइन अब गुजरेगी अभी। और दोस्तों यहाँ पर सिमेरिया घाट में काफी मात्रा में भीड़ होता है, यहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ पर गंगा स्नान करने आते हैं सबसे ज्यादा। अभी तो रोड भी कम जाम है क्योंकि जब त्योहार होता है, कार्तिक का महीना होता है, छठ पूजा का समय होता है, तीर संक्रांत जब होता है, मकर संक्रांति, तो उस समय रोड भी जाम हो जाता है और भीड़ भी होता है वहां पर गंगा नदी के किनारे, काफी लोग स्नान करने आते हैं यहाँ पर, बच्चे से लेकर बूढ़े तक का जो उनका संस्कार होता है वो सब संस्कार यहाँ पर किया जाता है। लोग यहाँ पर बहुत भीड़ होता है, अभी भीड़ नहीं है। और इसका ठीक बगल में ही एक और ब्रिज का निर्माण हो रहा है, वो भी अभी कुछ कुछ कंप्लीट हुआ है लेकिन पूरा 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, इसके ठीक बगल से तो छोटी से लेकर बड़ी बड़ी वाहन जाएगी, तब जो है क्योंकि ये इसमें भीड़ हो जाता है इसीलिए ओला बनाया जा रहा है ताकि भीड़ ना हो और देर ना हो, जाम ना हो, इसीलिए नया ब्रिज का निर्माण हो रहा है। और ये रास्ता बना हुआ है, इसमें पैदल लोग जाते हैं, रोड की चौड़ाई कम है इसीलिए यहाँ से पैदल यात्रियां जाते हैं, यहाँ पर घेरा बना हुआ है। दोस्तों ये ब्रिज की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है और ये ब्रिज बने हुए 70 साल से अधिक हो गया है। इसका नाम है राजेंद्र सेतु, इस ब्रिज का नाम है, बहुत पुराना है लेकिन बहुत मजबूत भी है। और ये जो ब्रिज है ये बेगूसराय को जोड़ता है और इधर बहुत शानदार सुंदर दृश्य है, जल्दी बन जाएगा। आप लोग भी अगर आना चाहते तो जरूर आइएगा, हम आपको अभी और एड्रेस देंगे, वीडियो पर बने रहिएगा, जानकारी और हम अभी आपको जानकारी दूंगा कि अगर आप आना चाहते हैं तो आप कहां से, आप ट्रेन यहां पर आती है कि नहीं आती, हम ये भी बताएंगे आपको।
दोस्तों अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको यहाँ से ऑटो मिल जाएगा, यहाँ पर ऑटो लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ गंगा नदी राजेंद्र पुल और यहाँ हाथसदा जंक्शन है। अगर आप यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर ट्रेन आती है और आप हाथसदा जंक्शन उतरिएगा। हाथसदा जंक्शन काफी लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत दूर दूर से आते हैं। और इसके ऊपर ठीक इसके यानी कि इसी के ऊपर जो है आपको ऑटो मिल जाएगा, रिक्शा मिल जाएगा और आपको सिमरिया घाट लेकर चला जाएगा। आप बोलिएगा कि उन्हें हमें सिमरिया घाट जाना है, हमें नहाना गंगा स्नान करना है, तो आपको वो पहुंचा देगा। 10 रुपये भाड़ा लेगा और फिर आप वहां पर जा सकते हैं। इसका अंदर का दृश्य लग रहा है एकदम गुफा का तरह है, एकदम गुफा का तरह लग रहा है दोस्तों। और इधर जो है प्लेटफॉर्म बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लेटफॉर्म बन रहा है, जो मिट्टी का बिछा हुआ है वो प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो गाइज हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।